अरे बाजे अवध में बधाई, बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले राघुराई, बाजे अवध में बधाई।
के पास जब केवट भैया पहुंचे और जाकर के भगवान के पूरे शरीर को टटोलने लगे, और केवट भैया ने पाया कि भगवान के पास एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। केवट भैया ने भगवान से कहा, अब पता चला मुझे कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। लक्ष्मण जी ने पूछा, क्यों? केवट भैया कहते, अब मुझे पता चला ये क्यों नहीं बोल रहे हैं। ये शर्म के कारण नहीं बोल रहे हैं, हमने अपनी गरीबी पहले इतनी सुना डाली और इनके पास एक पैसे नहीं है। अगर मैं इन्हें पार करूंगा तो ये उतराई हमें क्या देंगे। अगर इस भाव से आप कुछ नहीं बोल रहे हैं तो हे प्रभु, मैं आपको इससे भी मुक्त करता हूँ। और केवट भैया ने भगवान राम को इससे भी मुक्त कर दिया। कहते हैं कि प्रभु, अगर आपको विश्वास न हो तो मेरी बात सुनिए कि पद कमल धोई चढ़ा नाथ उतराई चहो। केवट भैया ने कहा, हम इससे भी आपको मुक्त करते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हारी बातों का हम विश्वास कैसे करें कि तुम पार उतारोगे और उतराई में एक पैसे नहीं लोगे। तो केवट भैया कहते, अगर हमारी बातों का विश्वास नहीं है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और विश्वास कैसे दिलाया? तो केवट भैया कहते हैं कि मोहिराम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो, शपथ सब साची कहो, शपथ सब साची कहो। कहा, मैं शपथ लेकर के कहता हूं। किसकी शपथ लिया? कहा, महाराज दशरथ की शपथ लेकर के कहता हूं, भगवान राम की शपथ लेकर के कहता हूं कि मैं पांव पखारूंगा, नाव पर बिठाऊंगा, लेकिन उतराई में एक पैसे भी नहीं लूंगा। अब लक्ष्मण जी ने जैसे ही सुना कि मेरे भैया की शपथ खाता है, मेरे पिताजी की शपथ लेता है, लक्ष्मण जी को क्रोध आया और निकाल लिया बाण कि बरुती जब लगी न पाया पखारी हो, जब लगी न पाया पखारी हो। कहा, मैं बाण मार दूंगा तुम्हें। और लक्ष्मण जी की बात जैसे केवट भैया सुने, केवट भैया मुस्कुरा के बोल पड़े, कहते, वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक भाई खड़ा होकर के नाव मांगता है, दूसरा भाई बाण मारने को तैयार है। कोई बात नहीं, अगर आप बाण भी मारना चाहते हैं तो उसमें भी हमारी भलाई, अगर मैं मर भी गया तो उसमें भी हमारी भलाई है। कि तब लगे न तुलसी पाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो। कहा, लक्ष्मण भैया भले ही मुझे बाण मार दे, लेकिन नाथ जब तक मैं आपके पांव पखार नहीं लेता तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ, ना मैं आपको नावों पर बिठाने वाला हूँ,
अपना मैं आपको पार करने वाला हूँ। और केवट भैया की इस अटपटे बयान को सुन करके भगवान मुस्कुरा पड़े और भगवान ने केवट भैया को आज्ञा दे दी, जाओ शीघ्र अति शीघ्र गंगा जल लेकर के आओ, मेरे पाँव पखारो और वही कार्य करो जिससे हमें विलंब भी ना हो और तुम्हारी नाव भी बची रहे। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग द्रौपदी चीर हरण का हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय चंद्रशेखर मिश्र जी की बड़ी अद्भुत भोजपुरी में रचना है। आइए इस द्रौपदी प्रसंग को हम सभी श्रवण करते हैं। एक बार की घटना है, भगवान कृष्ण जब दंतवक शिशुपाल का जब वध किया भगवान ने, तो भगवान ने जैसे ही अपना सुदर्शन चक्र चलाया भगवान की उंगली कट गई। उस सभा में सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन सबसे पहले दौड़ती भागती माँ द्रौपदी पहुंची भगवान कृष्ण के पास और जाकर के तुरंत कुछ नहीं देखा और माँ द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी को फाड़ दिया और अपने आंचल के पल्लू को फाड़ करके भगवान कृष्ण की उन अंगुलियों पर पट्टी बांध दिया। रक्त रुक गया। भगवान कृष्ण ने कहा, बहन आज तुमने अपनी साड़ी फाड़ करके मेरी इस रक्त को रोका है, पट्टी बांधी है, समय आने पर मैं इसका मूल्य अवश्य चुकता करूंगा। कहने का भाव है कि जीवन में भगवान के समीप जब हम जाते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, तो भगवान के चरणों में हम कुछ भी निवेदित करते हैं, भगवान उसका लाख गुना करके हमें देते हैं। और दूसरा सार इस कथा का ये है कि भगवान के श्री चरणों में जिसने प्रेम किया, भगवान ने उसे अनमोल खजाना दिया। और अनमोल है तो कौन है, हमारे श्री ठाकुर जी हैं, हमारे गोविंद हैं, हमारे माधव हैं, गिरधारी हैं, गिरवरधारी हैं। तो इसलिए भगवान से प्रेम किया जाए। और उसका साक्षात उदाहरण ये इस माँ द्रौपदी के प्रसंग से सुनने को आपको मिलेगी। भरी सभा में जब माँ द्रौपदी का चीर हरण होने लगा, माँ द्रौपदी के पांच पांच पति बैठे हुए उस सभा में, दुर्योधन दुशासन ऐसे ऐसे वीर लग गए माँ द्रौपदी के चीर हरण करने के लिए। माँ द्रौपदी को अभिमान था कि मैं पांच पांच पतियों की पत्नी हूं, मैं क्षत्राणी हूं, ये मेरी अवश्य सहायता करेंगे। उसी सभा में धर्मराज युधिष्ठिर जी, अर्जुन भीम जैसे योद्धा, नकुल सहदेव जैसे योद्धा बैठे हुए थे, अर्जुन जैसे धनुर्धारी बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने सहायता नहीं की। अंत में माँ द्रौपदी को लगा, कोई बात नहीं, अगर ये मेरी सहायता नहीं करते हैं तो मैं स्वयं क्षत्राणी हूं, मैं स्वयं की सहायता कर सकती हूँ। द्रौपदी मैया ने अपने चीर को बचाने का बहुत प्रयास किया, स्वयं को बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैया को लगा कि अब मैं हार जाऊंगी, अब मेरी लाज नहीं बचेगी। और जब चारों तरफ से व्यक्ति हार जाता है दुनिया में, उसे लगता है कि मेरा परिवार अपना है, मेरा भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, ये जो संसार में सारे सगे संबंधी रिश्ते नाते हैं, ये मेरे अपने हैं। लेकिन समय आने पर जब ये सब साथ छोड़ देते हैं तो दुनिया में सिर्फ एक नजर आता है और वो होते हैं भगवान। माँ द्रौपदी को भी जब वो सबसे थक हार गई, भीष्म पितामह जैसे योद्धा बैठे हुए थे उस सभा में, लेकिन किसी ने सहायता नहीं की, माँ द्रौपदी को लगा कि अब मेरी लाज चली जाएगी। माँ द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर खड़े कर दिए, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी लाज बचाओ, अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में। भगवान कृष्ण दौड़ चले और कहती हैं माँ द्रौपदी कि खींच दुशासन जोर लगाई के, तेर हमार जो सुनी पई है। दुशासन से कहती है कि तुम्हारे भीतर जितना जोर हो, तुम्हारे भीतर जितना बल हो लगा लो, अगर मेरी पुकार मेरे कन्हैया सुन रहे होंगे तो वो रोक नहीं पाएंगे स्वयं को, वो दौड़े भागे मेरे पास चलते आएंगे। कि खींच दुशासन जोर लगाई के, तेर हमार जो सुनी पई है।
बाविश्वास विपत्ति पड़े पर मोहन ना हम के विसरई हैं। देर लगे ना अबेर लगे अबिर ना हिर ना असधावल है। अब भौज के गोद में हुई है तब मुर तेर सुनी फिर ना रही पई है। माँ द्रौपदी कहती है कि मैं जानती हूँ अगर मेरी आवाज मेरे कन्हैया तक पहुँच रही है, मेरी आवाज अगर मेरे गोविंद तक पहुँच रही है, मेरी आवाज अगर गिरधारी तक पहुँच रही है, उस द्वारिकाधीश तक पहुँच रही है, जगन्नाथ तक पहुँच रही है, जगतवित्ता तक पहुँच रही है, तो वो मेरी पुकार सुन के स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। मेरा भाई मेरी लाज बचाने के लिए दौड़ता भागा मेरे पास चलाएगा। वो हो सकता है मेरे भाभी के पास पड़ा हो, उनसे प्रेम कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन की एक पुकार पर दौड़ता चलाए। तुम्हारे भीतर जितनी क्षमता है तुम लगा लो। आगे कहती हैं, इधर तो दुशासन से दुर्योधन से मैया बातें भी कर रही हैं, क्रोध दिखा रही हैं, लेकिन भीतर ही भीतर मैया परेशान भी हैं और भगवान से मन ही मन कह रही हैं कि अगर इस विपत्ति में आपने मुझे छोड़ दिया, आपने मेरा साथ नहीं दिया, तो जीवन में आपसे मैं कभी बात तक नहीं करूँगी। जिस प्रकार से एक बहन होती है, अगर रक्षाबंधन में उसका भाई उसके पास न पहुँच पाए तो बहन अपने भाई से अगाध प्रेम करती है, वो दुनिया वालों को दिखाने के लिए जरूर कहती मेरा भाई ऐसा है, मेरा भाई वैसा है, लेकिन अगर वो उस क्षण पे उस मौके पे न भी पहुंच पाए तो भीतर ही भीतर वो अपने भाई से शिकायत भी करती है, तुम क्यों नहीं आए। उसी प्रकार माँ द्रौपदी भी कन्हैया से शिकायत कर रही है कि अरे गाढ़े में जो बिसरई बहरी तब जा तो हसे हम बोला बनाही। अगर इस विपत्ति में मेरा विस्मरण कर दिया तो मैं तुमसे बात तक नहीं करूंगी, मैं तुमसे बोलूंगी भी नहीं, मैं तुमसे रूठ जाऊंगी। और तू बहिना बहिना कहवा पर नाता कबो हम जोड़ बनाही। तुम आकर के मेरे सामने बहन बहन मुझे पुकारोगे लेकिन सारे रिश्ते नाते आज के बाद मैं समाप्त कर लूंगी, तुमसे बात तक नहीं करूंगी। माँ द्रौपदी कन्हैया से शिकायत करती है कि सावन में तोहे बांधे बदे जरई कब ताल में बोर बनाही। अपूस में जो खिचड़ी लेके आईवा। जिस प्रकार से पहले बहने होती थी वो ताल में जरई बोती थी अपने भाई को बांधने के लिए, तो कहती है कि तुम भले बहन बहन मुझे पुकारोगे लेकिन मैं तुमसे बात तक नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी भी नहीं, और अगर तुम मेरे लिए खिचड़ी लेकर के आए तो भी मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुम मेरे लिए साड़ी भी लेकर के आओगे तो वो भले ही सड़ जाएगा लेकिन तुम्हारी तरफ देखूंगी भी नहीं कि तुम लेकर के क्या आए। कि पूस में जो खिचड़ी लेके आई बा भले सड़ जाए खोल बनाही। भले वो सड़ जाए लेकिन मैं खोल के देखूंगी भी नहीं। अब इधर देखिए क्या हुआ, जैसे भगवान कृष्ण के कानों में आवाज पहुंची, हे द्वारिकाधीश अब मेरी रक्षा करो, अब मेरी लाज नहीं बच पाएगी। भगवान कृष्ण आज कहते हैं कि इस आकाश मंडल में इस नभ में तीन एक ही साथ चले जा रहे हैं। कौन कौन वो तीन लोग हैं? सबसे पहले भगवान कृष्ण ने चीर को भेजा, उसके पीछे भगवान कृष्ण दौड़े चले जा रहे हैं, और भगवान कृष्ण के पीछे गरुण जी महाराज दौड़े चले जा रहे हैं। कहते सबसे अधिक वेग मन का होता है और मन से भी अधिक वेग गरुण जी का होता है। आपका मन अभी यहाँ स्थिर है और कब कहाँ पहुंच जाए कोई भरोसा नहीं, लेकिन इस मन की भी अधिक गति, इस मन से भी अधिक गति गरुण जी महाराज की है, और गरुण जी महाराज की भी गति से अधिक भगवान कृष्ण की गति है, और भगवान कृष्ण की भी गति से अत्यधिक गति चीर को भगवान ने आगे भेजा है कि तुम जाओ पहले पहुंचो और मेरी बहन के लाज की रक्षा करो। कि आगे से चीर बढ़े नभ में उकरा पिछवा दौरे ले मुरारी।
आज कन्हैया भगे तना, अरे आज कन्हैया भगे तना, उनके तना छुपवले उरगारी। तीन विमान उड़े न भमे, तीन तीन विमान उड़ रहे हैं, पहला चीर, दूसरे भगवान कृष्ण और तीसरा गरुण जी महाराज। तो तीन विमान उड़े न भमे, अगवा के बढ़े ये होड़ लगारी। आई सभा में आकाश से कान्हा, बढ़ावन लागे हैं छोड़ से सारी। आ तीनों में होड़ लगी है, तीनों में होड़ मची है कि कौन आगे जाएगा। साड़ी कहता है कि मैं ही आगे जाऊंगी, चीर कहता है मैं ही आगे जाऊंगी, भगवान कृष्ण उसके पीछे कि मैं सबसे पहले पहुंच जाऊं। गरुण जी महाराज भगवान कृष्ण के पीछे, कन्हैया के पीछे दौड़े दौड़े चलते जा रहे। भगवान कृष्ण उस सभा में पहुंचे और यहाँ पर जब साड़ी नहीं घटी, साड़ी तो बढ़ती ही चली जा रही है। कहते साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, पता ही नहीं चले। साड़ी को देख देख करके दुर्योधन थक गया, दुशासन थक गया, लेकिन साड़ी घटने का नाम न ले। बड़ी अद्भुत स्थिति हुई। तो कहते हैं कि साड़ी घटे ना तब बोला दुर्योधन, अरे खींच दुशासन जोर लगा दे। जब दुर्योधन थक गया साड़ी को खींचते खींचते, तो अपने भाई दुशासन को जोर से बुलाया, आओ अब मेरी सहायता करो, मैं अकेले थक गया हूँ। दुर्योधन दुशासन दोनों भाई लग गए साड़ी को खींचने के लिए। और जैसे ही ये स्थिति द्रौपदी मैया ने देखी, मैया मुस्कुरा पड़ी कि ई सुन के द्रौपदी हंसी बोली, आ तू जोर लगा सहजा दे। अगर तुम दोनों भाई से नहीं हो पा रहा है तो मैं तो कहती हूँ कि तुम अपने अंधे से बाप को भी बुला दो, तुम तीनों मिलकर के हमारी साड़ी को खींचो, और देखो क्या स्थिति होती है। कहती हैं कि ई सुन के द्रौपदी हंसी बोली, तू अब जोर लगा सहजादे, अरे बात दयादि के आई गईल बात, बाती पे बाती हमें भी कहे दे। अब अगर ऐसी बात आ गई है तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। और माँ द्रौपदी ने क्या कहा कि चीर घटे ना तो बोला दुशासन। अगर तुम्हारे भाई दुशासन से ये चीर नहीं घट रहा है तो मैं तो कहती हूँ कि तुम अपने अंधे बाप को भी बुला लो। कि चीर घटे ना दुशासन से, अपनी अनहरा बपवा के पठा दे। तुम तीनों मिलकर के मेरा चीर हरण करो, मेरी साड़ी खींचो। और अभी बात ही कर रही थी तब तक भगवान कृष्ण प्रकट हो गए उस सभा में कि आके कन्हैया कहे बहिना, काहे बोलत नहीं खे कोहाइल बाड़ी। भगवान कृष्ण माँ द्रौपदी से कहते हैं ऐसी कौन सी बात हो गई है, तुम क्यों हमसे रुष्ट हो, तुम क्यों हमसे नाराज हो, क्या बात हो गई है जो तुम हमसे बात तक नहीं कर रही हो। अरे तुम्हें पता भी है, जैसे ही तुमने एक आवाज लगाई मैं दौड़ा भागा चला आया, सब कुछ त्याग करके सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास भगा आ रहा हूँ। और इतनी दूर से देखो, मेरा वाहन अभी गरुण जी महाराज पीछे ही है, मैं तो दौड़ा भागा पैदल ही आ रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, रास्ते में रुक करके हमने पानी तक नहीं पिया कि मेरी बहन को कोई कष्ट ना हो पाए, और तुम हो कि रुष्ट होकर के बैठी हो। कि राही में ना पनियों पियनी, तनी देख हमें कि घमाई लबानी, अवाहन बा अब ही मोर पाछे, मु पैदल धावल आवत बानी। अरे द्वारिकाधीश केते बहिना, लुगरी बिनु काहे कोहाई नबाड़ी। तुम्हें पता नहीं, मैं दौड़ता भागा तुम्हारे लिए, अपनी बहन के लिए चला आ रहा हूँ, रास्ते में हमने रुक करके पानी तक नहीं पिया, और तुम एक साड़ी के लिए हमसे रुष्ट होकर के बैठी हो। अरे तुझे पता भी नहीं कि तू द्वारिकाधीश की बहन है,
लेकिन गलती तो तुम्हारी है। अगर तुमने शुरू में आवाज लगा दी होती अपने इस भाई को तो तुम्हारा भाई इस सभा के बीच होता, लेकिन पहले तुमने अपने पतियों के ऊपर विश्वास किया। अगर पति तुम्हारी रक्षा नहीं किए तो तुमने स्वयं के ऊपर विश्वास किया, और यही जीव की भूल होती है। विश्वास उसे अपने परिवार पर होता है, इस संसार पर होता है, स्वयं पर होता है, लेकिन जिस दिन विश्वास रघुनाथ जी पर हो जाए, श्री राघव जी पर हो जाए, श्री गोविंद पर हो जाए, तो दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी, ना संसार में किसी प्रकार का कोई दुख रह जाएगा। जब व्यक्ति हर जगह से हार जाता है तब पहुँचता है भगवान के पास। इसलिए गलती ना करें, सबसे पहले ही भगवान के पास पहुंच जाएं। भगवान कृष्ण ने कहा, अगर तुमने गोविंद कहा होता, मुरारी कहा होता, गिरधारी कहा होता, चितचोर कहा होता, माखन चोर कहा होता, तो ये तुम्हारा भाई तुम्हारे पास होता। लेकिन तुमने पुकारा क्या, तुमने कहा द्वारिकाधीश, और मैं द्वारिकाधीश अगर तुमने कह दिया तो मैं तो द्वारिकाधीश बन करके आया, मैं तो एक राजा को तुमने बुलाया, न कि तुमने अपने भाई को बुलाया। और अगर एक राजा आएगा तो राजा की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, राजा पूर्ण करके ही आएगा। भगवान कृष्ण आके सभा में कहते, छोड़ो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, और मैं भी देखता हूँ किसके भीतर कितना बल है। आओ देखते हैं कौन तुम्हारी साड़ी खींचता है, मैं भी इस सभा में, तुम्हारा भाई भी इस सभा में खड़ा है। कि खींचे दे साड़ी मो देखत बानी, यहाँ पर के बलवान बड़ा बा, कि बहिना की गुहार पे भाई भी आई, आई सभा बिचवा में खड़ा बा। अपने बहन की पुकार पर उस बहन का भाई भी खड़ा है, और अब तेरा भाई तेरे साथ है, किसी की हिम्मत नहीं कि तेरा बाल बांका भी कर पाए। तुझे याद नहीं होगा शायद, लेकिन तेरे इस भाई को सब कुछ याद है। याद कर, उस दिन को याद करो जिस दिन मेरी उंगली कटी हुई थी और तुमने कुछ नहीं सोचा, तुरंत अपने साड़ी के पल्लू को खींच करके मेरे तुरंत उंगलियों को बांध दिया, मेरे रक्त को रोका। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, बड़ी सुंदर बात कवि ने लिखी, कि आई के सभा बिचवा में खड़ा बा, अरे फाड़ी के तू बनहली सड़िया, अब वही उंगली में निशान पड़ावा। जो तुमने साड़ी का पल्लू खींच करके फाड़ करके मेरी उंगली में बांधा, आज भी वो निशान हमारी उंगली में ही पड़ा है, और मैं उस चीज को भी भूला नहीं हूं। आगे बहुत सुंदर बात लिखी, कि फाड़ी के तू बनहली सड़िया, अब वही उंगली में निशान पड़ावा, सूद में ढा कब लाज तोहार, सूद में ढा कब लाज तोहार, मूल अभी तो पड़ा का पड़ावा, मूल अभी तो पड़ा का पड़ावा। माँ द्रौपदी ने इस छोटे से पल्लू से, थोड़े से चीर से भगवान की उंगली बांधी, और उस उंगली को बांधने का भगवान ने ये इनाम दिया कि साड़ी घटती नहीं रही। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभी तो ये सूद है तुम्हारा, तुम्हारा जो मूल तुमने बांधा था वो तो मेरे पास सभी पड़ा का ही पड़ा है। कहने का अर्थ है, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान के श्री चरणों में जाकर के हम थोड़ा भी कुछ भी अगर निवेदित करते हैं तो भगवान तो सूद में ही हमें पूरा जीवन खिलाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, मूल तो भगवान के पास सभी पड़ा का पड़ा ही रहता है। इसलिए भगवान की गुलामी की जाए, गिरना है तो श्री राघव जी के चरणों में गिरो, झुकना है तो भगवान के श्री चरणों में झुको, क्योंकि भगवान के चरणों में झुकोगे तो तुम्हें समस्त संसार में सम्मान मिलेगा, और अगर जीव के चरणों में झुकोगे तो तुम्हें समस्त जीवन अपमान ही अपमान मिलेगा। बोली राघवेंद्र सरकार की। जीव को लगता है कि भगवान कुछ नहीं देख रहे हैं, हम कोई भी कार्य छिपा के कर लेंगे, लेकिन आप दुनिया से छिपा सकते हैं, जीव से छिपा सकते हैं, लेकिन जगदीश से नहीं छिपा सकते। भगवान राम को सब पता है,
आप किससे क्या छिपा रहे हैं, कौन सा कार्य कर रहे हैं। इसलिए भगवान से कोई कार्य न छिपा के किया जाए, भगवान के सामने आप जैसे हैं वैसे ही पहुंचिए। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जा बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते जितना भी हम
कहते हैं। किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं लेकिन किस्मत में क्या लिखा है किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं बंदी के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं हर सांस में सुमिरन तेरा यो बीत जाए जीवन मेरा कि हर सांस में हो सुमिरन
गाओ उसे। प्यार हो सत्कार।